तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभिक और आप देख रहे हो 1 मिलियन गैजेट्स। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं रियलमी 2 प्रो के हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, क्योंकि इस फ़ोन में आपको भरपूर मात्रा में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग निराश है क्योंकि इसमें कलर वैस है, बट भाई इस फ़ोन में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। एंड मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जितना भी ऑप्शंस हैं, मैं ईच एंड एवरी ऑप्शंस को, जो मेन ऑप्शंस उन सब को हाईलाइट करने वाला हूँ। इवन यहाँ पर आपको फोटोज़ में, कैमरा में बहुत सारे यूनिक फीचर्स देखने को मिलता है। इस फ़ोन के बारे में बहुत सारे लोगों का कंप्लेन है कि इस फ़ोन में सीरियस बैटरी ड्रेनिंग इशू है, बट भाई मेरा जो हैंडसेट है, मेरा जो यूनिट है, यहाँ पर मुझे कोई भी सीरियस बैटरी ड्रेनिंग इशू देखने को नहीं मिला है। बट एनीवे, इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ एंड बैटरी सेटिंग में भी कुछ ट्विक्स करने वाला हूँ, जिसके कारण आपका जो बैटरी बैकअप है वो शायद इम्प्रूव हो सकता है, आपको अच्छा बैटरी बैकअप देखने को भी मिल सकता है। एंड मेरा जो लास्ट वीडियो था, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आया था इस डिवाइस के ऊपर, तो उन सब क्वेश्चंस का भी मैं आंसर करने वाला हूँ। तो वीडियो का आगे तक देखते रहो, आपको इस फ़ोन के बारे में बहुत सारे यूनिक फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आपको कोई भी कलर एडजस्ट और सैचुरेशन एडजस्ट और कंट्रास्ट एडजस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पर सिर्फ आपको मिलता है कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट का ऑप्शन। यहाँ पर आप कलर को कूल कर सकते हो एंड बाई डिफॉल्ट रख सकते हो और कलर को वार्म कर सकते हो। अब यहाँ पर जो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन लॉक ऑप्शन है, ये बेसिकली ऑन रखने पर आपका जो डिस्प्ले है वो ऐसा पोर्ट्रेट मोड पे ही रहेगा, बट अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो आपका ये जो डिस्प्ले है ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। एंड इसको आप यहाँ पर नोटिफिकेशन बार से भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन है पोर्ट्रेट लॉक, इसको आप लॉक भी कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज एडजस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको कोई भी फॉन्ट स्टाइल एडजस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऐप डिस्प्ले इन फुल स्क्रीन। बेसिकली इस फोन का जो नॉच है इसको आप हाइड नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पर एक इंटेलिजेंट वे है, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है ऐप डिस्प्ले इन फुल स्क्रीन, इसको एक्टिव करने पर जो नॉच एरिया है वो आप ऐप बेसिस पे इसको आप हाइड कर सकते हो। बट आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप इंस्टाग्राम ऐप है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक्टिव है, मतलब ये नॉच एरिया को यूज़ कर रहा है। लाइक इंस्टाग्राम में मैं एक फ़ोटो अपलोड करने जा रहा हूँ एंड यहाँ पर जो ब्राइटनेस आइकन है ये नॉच के पीछे चला गया है, क्योंकि ये नॉच एरिया को यूज़ कर रहा है, सो ये नॉच के पीछे हाइड हो गया है। बट अगर मैं यहाँ पर जो इंस्टाग्राम एक्टिव ऑप्शन है इसको मैं अगर ऑफ कर देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर जो इंस्टाग्राम ऐप है यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो ब्राइटनेस आइकन है ये नीचे आ गया है। अब इसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो, बट ओवरऑल जो इंस्टाग्राम का लेआउट है, यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल इंस्टाग्राम का लेआउट है, यहाँ पर जो नॉच है वो हाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये जो नॉच है ये फ़ोन इंटेलिजेंट तरीके से यूज़ कर रहा है। अब इसकी नाइट शील्ड ऑप्शन की बात किया जाए तो बेसिकली ये ब्लू लाइट फिल्टर जैसा काम करता है, इसको आप स्केड्यूल भी कर सकते हो, मतलब खुद से टाइम को एडजस्ट कर सकते हो, मतलब इस टाइम से इस टाइम तक ये एक्टिव रहेगा। इसको आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल से भी इनेबल कर सकते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नाइट शील्ड का ऑप्शन। एंड यहाँ पर आपको जो कलर टेम्परेचर है उसको भी एडजस्ट कर सकते हो, कूलर और मोर वार्मर भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर ये जो तीन ऑप्शन है ये मुझको सबसे बेस्ट लगा है। यहाँ पर आप डिस्प्ले को कलरफुल भी रख सकते हो, इवन यहाँ पर आप डिस्प्ले को ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक आइकॉन और इवन जो वॉलपेपर है सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो गया है। एंड यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है कंफर्टेबल नाइट टाइम रीडिंग, ये ऑप्शन मुझे सबसे बेस्ट लगा। अगर आप एक बुक रीडर हो, आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, नाइट टाइम भी आप बुक पढ़ते हो, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर जो होल स्क्रीन है पूरा ब्लैक हो जाता है, सिर्फ जो टेक्स्ट है वही व्हाइट रहता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर ऑप्शन, यहाँ पर आपको जो होम स्क्रीन लेआउट है उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। एंड उसके नीचे आपको मिल जाएगा सेट वॉलपेपर का ऑप्शन, यहाँ से आप अपने फ़ोन में जो होम स्क्रीन है एंड लॉक स्क्रीन है वहाँ पर आप वॉलपेपर को सेट कर सकते हो। बट एक कोई यूनिक फंक्शन नहीं है, अपने गैलरी से भी वॉलपेपर सेट कर सकते हो। देन यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको जो भी साउंड प्रोफाइल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली जो नॉर्मली हर एक फ़ोन में रहता है वही फंक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, बट यहाँ पर जो फंक्शन है जो इक्विलाइजर है फ़ोन का वो आपको रियल ओरिजिनल साउंड टेक्नोलॉजी पे मिलेगा।
बेसिकली ये ऑप्शन फ़ोन के जो स्पीकर है उसमें काम नहीं करता है। अगर आपको ये ऑप्शन एक्टिव करना है तो आपको हेडफोन जैक कनेक्ट करना है एंड जो म्यूज़िक प्लेयर है उसको भी ऑन करना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वाइट टाइम ऑप्शन एंड ये ऑप्शन बहुत ही हेल्पफुल है। लाइक अगर आप कोई बिजी सिचुएशन पे हो जहाँ पर आप कोई भी कॉल्स एंड मैसेजेस पिक नहीं कर सकते, सिर्फ आपको चाहिए तो सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए, तो इसको आप मैनुअली भी इनेबल कर सकते हो। इसको अब अलाउ करना है एंड सिर्फ आपको नोटिफिकेशन से मिलेगा, आपको कोई भी कॉल्स एंड मैसेजेस नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर अगर सिर्फ कॉल्स ही चाहते हो वो भी कुछ पर्टिकुलर नंबर से, सो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम फेवरेट्स एंड इसको आप इनेबल कर सकते हो कॉन्टैक्ट से। सो फेवरेट्स को इनेबल करने के लिए यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आपको कोई भी नंबर को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा ऐड टू फेवरेट्स पे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको फेवरेट्स पे लिस्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर नंबर से कॉल सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्वाइट टाइम पे जाना है, देन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अलाउ कॉल्स फ्रॉम पे एंड यहाँ पर आपको फेवरेट्स कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करने पड़ी, मतलब फ्रॉम फेवरेट्स सिलेक्ट करने पड़ी। आपको जो भी फेवरेट्स में जो भी कॉन्टैक्ट्स है उस कॉन्टैक्ट से आपको सिर्फ कॉल मिलेगा। अब यहाँ पर फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासकोड के बारे में तो आप सबको पता ही है, एक कॉमन फंक्शन है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्मार्ट एंड कन्वीनियंट मोड। यहाँ पर आपको एट फर्स्ट ही आपको देखने को मिलता है एक ऑप्शन जहाँ पर इसको एक्टिव करने पर अगर आप जो पावर बटन है उसको 0.5 सेकंड तक होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पर जो गूगल असिस्टेंट है वो एक्टिव हो जाएगा। देन आपको देखने को मिलता है नेविगेशन कीज एंड यहाँ पर आपको नेविगेशन जेस्चर भी एक्टिव कर सकते हो एंड आप ये नेविगेशन कीज को भी रख सकते हो। बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा स्वाइप जेस्चर को ही रखो क्योंकि ये देखने पर और भी ब्यूटीफुल लगता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन पे पर नीचे आइकन दिखने को मिल रहा है बट मैं बताऊँगा आप वो स्वाइप जेस्चर को एक्टिव करके रखो तो देखने पर और भी अच्छा लगता है, पूरा स्क्रीन देखने को मिलता है यहाँ पर आपको। अब यहाँ पर स्वाइप अप जेस्चर नेविगेशन में आपको बहुत से जेस्चर लेआउट देखने को मिलता है, ये आप अपने सुविधा के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलता है मिस टच प्रिवेंशन। मैं बताऊंगा इस ऑप्शन को आप एक्टिव रखो क्योंकि इसको एक्टिव रखने पर आपका जो जेस्चर है वो और भी परफेक्टली वर्क करता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा असिस्टिव बॉल का ऑप्शन। बेसिकली इस ऑप्शन को एक्टिव करने पर यहाँ पर आपको एक बॉल ऑप्शन मिल जाएगा। इसका ओपेसिटी को भी आप घटा सकते हो और इंक्रीज कर सकते हो। इसको एक बार दबाने पर ये बैक जाता है, इसको लॉन्ग प्रेस करने पर एकदम होम स्क्रीन पे आता है एंड डबल टैप करने पर ये जो रिसेंट ऐप्स है वो आ जाता है यहाँ पर स्क्रीन पे। बट ये एक्टिव रहने पर भी यहाँ पर आपको जो जेस्चर है वो भी काम करेगा एक साथ, सो उसके बारे में टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्मार्ट साइड बार। बेसिकली इसको एक्टिव करने पर यहाँ पर आपको स्क्रीन के साइड पर आपको एक स्मार्ट बार देखने को मिल जाएगा। इसको आपको ऐसे स्लाइड करना है और ये बार एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आप बहुत सारे ऐप्स को ऐड कर सकते हो, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन को, मैसेजेस को, व्हाट्सएप को, यहाँ पर बहुत कुछ ऑप्शन को आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है जेस्चर एंड मोशन का। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रेज टू टर्न ऑन स्क्रीन। इसको अगर आप एक्टिव करोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब ये फीचर को आप ध्यान से देखना है, ये ऑप्शन एक्टिव है तो मैं यहाँ पर स्क्रीन को लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको ऐसे रेज करूँगा, स्क्रीन ऑन हो जाएगा, इसको रख दूंगा ऑफ हो जाएगा, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, मतलब यहाँ पर आपको ये पावर बटन को दबाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे फ़ोन फ्लैट सरफेस पे इसको आप रेज करोगे ये ऑन हो जाएगा, रख दोगे ऑफ हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक फीचर है। अब यहाँ पर आपको नीचे थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलेगा। इसको अगर आप एक्टिव करोगे एंड देन थ्री फिंगर को स्क्रीन पे स्वाइप करोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऑप्शन में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलता है। अगर आप थ्री फिंगर स्वाइप करके स्क्रीनशॉट लेते हो तो यहाँ पर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। मतलब आपको पेज में जो कुछ भी देखने को मिलेगा वो आप बस स्क्रॉल करके पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन आपको यहाँ पर बस डन करना है। सो आप देख सकते हो एक पैनोरामा की तरफ वर्क करता है, यहाँ पर आपको पूरा स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन है। तो अब ऊपर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स। इसको एक्टिव करने पर यहाँ पर आपको बहुत सारे जेस्चर्स ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन।
तो स्क्रीन पे आप ऐसे डबल टैप करोगे, ये टर्न ऑन हो जाएगा, फिर डबल टैप करोगे ये क्लोज हो जाएगा। देन जो ऑप्शन है वो है ड्रॉ ओ टू स्टार्ट कैमरा। अब यहाँ पर आपको जस्ट ओ ड्रॉ करना है ऐसे, एंड ये कैमरा ऑन हो जाएगा। देन आपको देखने को मिलता है ड्रॉ वी टू टर्न ऑन फ्लैश, तो यहाँ पर इसको एक्टिव करना है। एंड यहाँ पर मैं वी ड्रॉ करूँगा, एंड आप देख सकते हो फ्लैश ऑन हो गया। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन, एंड ये जेस्चर कभी कभार ठीक से काम करता है एंड कभी कभार ठीक से काम नहीं करता है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दो फिंगर से ऐसे स्वाइप करना पड़ेगा एंड म्यूजिक चालू हो जाएगा। एंड अगर आपको प्रीवियस म्यूजिक पे जाना है तो आपको ऐसे लेफ्ट एरो ड्रॉ करना पड़ेगा, ये प्रीवियस म्यूजिक पे चला जाएगा। फिर और भी प्रीवियस म्यूजिक पे जाना है तो आपको फिर से ऐसे लेफ्ट एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। देन अगर आपको नेक्स्ट म्यूजिक पे आना है देन आपको ऐसे राइट एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड नाउ अगर आपको म्यूजिक को पॉज करना है देन आपको फिर से ऐसे दो उंगली से स्वाइप करना पड़ेगा, एंड ये म्यूजिक पॉज हो जाएगा। देन यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन मिलता है वो है ऐड अ स्क्रीन ऑफ जेस्चर। यहाँ पर आप मैनुअली भी बहुत सारा चीज़ ऐड कर सकते हो, लाइक यहाँ पर आप लॉक अनलॉक ऐड कर सकते हो, कॉल्स ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आप स्टार्ट एंड न्यू ऐप भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर एक स्टेप बैक करने पर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्मार्ट कॉल का ऑप्शन। यहाँ पर आप ऑटो आंसर हो नियर द ईयर, मतलब ईयरपीस जब आप कान के पास रखोगे तब ये ऑटोमेटिक कॉल को एक्सेप्ट कर लेगा। इवन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मोड स्विच ड्यूरिंग कॉल्स, यहाँ पर आपको फ्लिप टू म्यूट इनकम कॉल्स, मतलब मोबाइल को जब फ्लिप कर दोगे तब आपका जो रिंगटोन है वो म्यूट हो जाएगा। सो अभी मैंने जितना भी फीचर्स का बात किया है लाइक नेविगेशन कीज, असिस्टिव बॉल, स्मार्ट साइड बार, जेस्चर एंड मोशन, ये सब आपको यहाँ पर स्मार्ट एंड कन्वीनियंट में देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर मैंने स्मार्ट ड्राइविंग को हाईलाइट नहीं किया है, मैं यहाँ पर ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप जस्ट वीडियो को पॉज एंड प्ले करके चेक कर लो। अभी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सिक्योरिटी ऑप्शन, एंड सिक्योरिटी ऑप्शन के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, बट मैं उन सब फीचर्स को हाईलाइट करूंगा जो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये फीचर बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। बेसिकली जो ऐप्स आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करने का कोशिश करता है उन ऐप्स को आप बेसिकली एम्प्टी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है प्रोटेक्ट कॉल हिस्ट्री, प्रोटेक्ट कॉन्टैक्ट्स, प्रोटेक्ट मैसेजेस एंड प्रोटेक्ट इवेंट्स। बेसिकली यहाँ पर आपको अंदर जाना है एंड जिन ऐप को आप एम्प्टी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो बस उसको एनेबल करना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फाइंड माई डिवाइस ऑप्शन। बेसिकली ये ऑप्शन हर एक एंड्रॉयड डिवाइस में रहता है एंड इसको बस आपको एक्टिव करके रखना है। सो आप अपने गूगल अकाउंट से अपने डिवाइस, अगर आपका डिवाइस खो जाता है तो उसको आप ढूंढ के निकल सकते हो अगर आपका डिवाइस जिंदा रहता है तो। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेमेंट प्रोटेक्शन का ऑप्शन। बेसिकली जो बैंकिंग एप्लीकेशन और जो भी आपके मोबाइल में फिनेंस एप्लीकेशन है उन सबको यहाँ पर ला के बस एक्टिव कर देना है। सो वो सब ऐप ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा, मतलब पेमेंट के टाइम भी आपका जो प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा हाई रहेगा। अब ये कितना सक्सेसफुल है वो तो मुझे नहीं मालूम, बट हाँ इसको एक्टिव रखना मुझे लगता है बेहतर होगा। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एंटी हैरेसमेंट और फ्रॉड। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएगा ब्लॉक कॉल्स, ब्लॉक मैसेजेस, ब्लैक लिस्ट, व्हाइट लिस्ट एंड ब्लॉक नोटिफिकेशन का ऑप्शन। यहाँ पर आप कॉल्स को ऐसे यहाँ पर जस्ट ऐड करना है, सिलेक्ट नंबर करना है एंड यहाँ पर आप आपका जो कॉल्स आप ब्लॉक करना चाहते हो उसको मतलब आप यहाँ पर ब्लैक लिस्ट पे डाल सकते हो। अब यहाँ पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन में मुझे दो चीज़ बहुत ही काम का लगा है, एक ऐप लॉक एंड सेकेंड वन है प्राइवेट सेफ। ऐप लॉक में जस्ट आपको पासवर्ड डालना है यहाँ पर, एंड यहाँ पर आप कोई भी ऐप को आप लॉक कर सकते हो, बस इसको इनेबल करना है एंड वो ऐप लॉक हो जाएगा। एंड और एक चीज़ यहाँ पर उस ऐप को आप फेस अनलॉक के थ्रू, इवन फिंगरप्रिंट के थ्रू भी अनलॉक कर सकते हो, बस ये दो ऑप्शन को आपको एक्टिव करना होगा यहाँ पर।
एंड यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन भी मिलता है, हाइड होम स्क्रीन आइकन का ऑप्शन भी मिल जाता है, बट मैं बताऊंगा इस ऑप्शन को यूज मत करो, क्योंकि अगर इसको आप एक्टिव रखते हो बट उसी टाइम अगर आप कोई भी कस्टम लॉन्चर को यूज़ करते हो, लाइक मैं यहाँ पर नोवा लॉन्चर को यूज़ कर रहा हूँ, सो आप देख सकते हो जो क्रोम आइकन है वो अभी भी यहाँ पर विजिबल है, इवन ऐप ड्रॉअर पर भी विजिबल है, सो वो हाइड होम स्क्रीन आइकन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर आपको प्राइवेट सेफ ऑप्शन में पहले पासवर्ड डालना है, फिर यहाँ पर आप फोटोज, ऑडियोज, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर चीज़ भी आप हाइड कर सकते हो, एंड वीडियोस भी हाइड कर सकते हो, यहाँ पर आपको फोटोज़ के अंदर ही मिल जाएगा, बस आप यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है। इवन यहाँ पर भी आप फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट के थ्रू फोटोज़ एंड वीडियोस को, इवन अदर चीज़ को भी आप अनलॉक कर सकते हो। इस फ़ोन में आपको कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स भी मिलता है बाई डिफ़ॉल्ट, वो चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज एंड प्ले करके आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कीबोर्ड, सिक्योरिटी कोड प्रोटेक्शन, स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रिवेंशन, प्रिवेंट बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑडियो एंड इमेजेस, कुछ ऐसा फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बैटरी ऑप्शन के बारे में एट द एंड ऑफ द वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिटेल में बात शेयर करना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग्स, यहाँ पर आपको यूजर गाइड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, एंड यहाँ पर जो हेल्पफुल ऑप्शन है वो है आफ्टर सेल सर्विस, यहाँ पर आपको आफ्टर सेल सर्विस में सर्विस इंफॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा हेल्पलाइन नंबर, ईमेल एंड वेबसाइट का लिंक। इवन यहाँ पर आपको कस्टमर सर्विस सेंटर्स का भी यहाँ पर एड्रेस मिल जाएगा, आप जिस स्टेट पे रहते हो वहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, देन जिस सिटी पे रहते हो उस सिटी को सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पर आपको उस सिटी में जो भी सर्विस सेंटर है आपको सब सर्विस सेंटर का एड्रेस, इवन सर्विस सेंटर का जो हेल्पलाइन है, ईमेल एड्रेस है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इवन ये डिवाइस OTG भी सपोर्ट करता है, सो OTG कनेक्शन को एक्टिव करने के लिए यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को एक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्लोन ऐप ऑप्शन भी मिल जाएगा, बेसिकली ये ऑप्शन पैरेलल पेस जो ऐप है उसके तरह ये काम करता है, बेसिकली यहाँ पर आपका जो भी सोशल मीडिया ऐप्स है उसका एक सेकेंड ऐप और सेकेंड क्लोन ऐप भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब आप एक फ़ोन में दो व्हाट्सएप और दो इंस्टाग्राम ऐप यूज़ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देके दिखा देता हूँ, यहाँ पर व्हाट्सएप को मैंने यहाँ पर इनेबल कर दिया, अब यहाँ पर व्हाट्सएप पे क्लिक करने पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप क्लोन। गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी इम्प्रूव करने के लिए इस फ़ोन में आपको देखने को मिलता है गेम स्पेस का ऑप्शन, एंड ये ऑप्शन गेमर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन है। एंड यहाँ पर जो गेम स्पेस का जो मेन फीचर्स है मैं यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ के सुनाता हूँ, जो गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी इम्प्रूव कर देता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है गेम इंजिन इम्प्रूव्स गेमिंग परफॉर्मेंस थ्रू कस्टम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बोथ द गेम एंड योर फोन। देन आपको देखने को मिलता है स्मूथनेस ऑप्टिमाइजेशन इंटेलिजेंटली एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज फॉर अ स्मूदर गेमिंग एक्सपीरियंस। देन मिलता है नेटवर्क प्रोटेक्शन रिस्ट्रिक्ट नेटवर्क एक्सेस और बैकग्राउंड एप्स फॉर अ मोर स्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस। देन एट लास्ट आपको देखने को मिलता है आंसर कॉल्स विद ईज, इसका मतलब है गेमिंग के टाइम अगर आपके फ़ोन पे कोई भी कॉल आता है तो बेसिकली वो एक फ्लोटिंग विंडो पे, इवन जो वीडियो कॉल आता है वो एक फ्लोटिंग विंडो पे आएगा, सो आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वहाँ पर कोई भी इंटरप्शन और कोई भी बाधा क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर आपको मैनेज माय गेम्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, सो यहाँ पर आप गेम स्पेस में गेम्स को मैनुअली भी ऐड कर सकते हो। इवन यहाँ पर आपको ऐड गेम्स ऑटोमेटिकली ऑप्शन भी मिल जाता है, जब भी आप प्ले स्टोर से कोई भी गेम इंस्टॉल करोगे यहाँ पर गेम स्पेस में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स एक्सेलरेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, सो डेफिनेटली आप जब गेम खेलते हो तो आपका जो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा। सो बेसिकली गेम स्पेस का जो मेन फीचर है ये आपका गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी इम्प्रूव कर देता है। इस फ़ोन की रिसेंट एप्स में भी आपको कुछ कूल फीचर्स देखने को मिल जाएगा, अगर आप ऐसे पुल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, देन अगर आप रैम को क्लीन कर दोगे तो जिस ऐप को आपने लॉक करके रखा है वो ऐप यहाँ पर रैम पे रह जाएगा, एंड बाकी जितना भी ऐप्स था वो क्लीन हो जाएगा। इवन यहाँ पर रिसेंट ऐप्स में आपको स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, सो यहाँ पर आप दो ऐप्स को एक साथ एक स्क्रीन में यूज़ कर सकते हो, इवन इस साइज़ को भी आप
डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकते हो। इवन स्प्लिट स्क्रीन के लिए आप अगर थ्री फिंगर से ऐसे स्वाइप अप करोगे तो स्प्लिट स्क्रीन एक्टिव हो जाएगा। तो मेरा जो Realme 2 Pro का जो फुल रिव्यू वीडियो था, वहाँ पर एम के भाई ने लिखा है, नाइस वीडियो बोलो, रात को अंधेरे में फेस अनलॉक टेस्ट जरूर करना और कलर ओएस टेस्ट भी करना। तो कलर ओएस के बारे में तो आपको इस वीडियो से आइडिया मिल जाएगा। तो चलो इसका जो फेस अनलॉक है हम टेस्ट करते हैं। तो चलो मैं इस घर में जितना भी लाइट है सबको ऑफ कर देता हूँ, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कैसा है इसका फेस अनलॉक। तो आप देख सकते हो रूम में जितना भी लाइट था मैंने ऑफ कर दिया है, यहाँ पर सिर्फ आपको कंप्यूटर डिस्प्ले का लाइट ही देखने को मिल रहा है। तो चलो मैं यहाँ पर डबल टैप करके डिस्प्ले को वेक करके देखता हूँ कैसा है इसका फेस अनलॉक। देखो फटाक से ओपन हो गया, ये ऑटोमेटिकली जो डिस्प्ले इसको ब्राइटन अप कर देता है एंड ऑटोमेटिकली डिस्प्ले को अनलॉक कर देता है, मतलब फटाक से डिस्प्ले को अनलॉक कर देता है। फिर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, डबल टैप किया, डिस्प्ले ब्राइटन अप हो गया, ये अनलॉक हो गया। ठीक है, फिर से देख लो, मतलब यहाँ पर जो बेसिकली जो फंक्शन है स्क्रीन को ब्राइट कर देता है फेस को डिटेक्ट करने के लिए। इस फोन में बाय डिफॉल्ट कुछ एप्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको फोन मैनेजर देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर जो फोन मैनेजर का काम है वो बेसिकली एक क्लीनर की तरह और एंटीवायरस स्कैनर की तरह काम करता है। यहाँ पर आपको क्लीन स्टोरेज का फंक्शन मिल जाएगा जहाँ से आप कैचे को क्लीन कर सकते हो। इवन आप यहाँ से व्हाट्सएप को भी, व्हाट्सएप में जो जंक फाइल्स है उसको भी क्लीन कर सकते हो। सो व्हाट्सएप का जो जंक फाइल है थोड़ा काम का लगा है मुझे एंड यहाँ पर आपको तो प्राइवेसी परमिशन का जो फीचर्स है मैंने तो पहले ही दिखा दिया आपको। देन यहाँ पर आप वायरस स्कैन भी कर सकते हो, बट एंड्रॉयड में वायरस स्कैनिंग का ऑप्शन मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है। तो भी यहाँ पर आपको एवास्ट का प्रोटेक्शन मिल जाता है। इवन यहाँ पर आप ऑप्टिमाइज करने पर जो फ़ोन है और उसका जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। इस फोन में आपको कीप नाम का एक नोट ऐप भी मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर आप नोट ले सकते हो ऐसे टाइप करके। यहाँ पर आप इमेज भी, मतलब कुछ ड्रॉ भी कर सकते हो, ऐसा पेन है यहाँ पर आपको पेन मिल जाएगा। इवन यहाँ पर आप इमेज भी ऐड कर सकते हो एंड इमेज ऐड करके उसके नीचे आप नोट भी ले सकते हो। इवन यहाँ पर आप वॉइस कमेंट के थ्रू भी नोट ले सकते हो, इवन जो वॉइस है वो भी सेव हो जाएगा। सब्सक्राइब टू 1 मिलियन गैजेट्स। देखो मैंने क्या बताया और क्या सेव हो गया, हिंदी में बोला क्या क्या बता दिया ये। तो चलो यहाँ पर जो ऑडियो है वो भी सेव हो जाता है। ठीक है, आप सुन सकते हो। इस फोन में आपको स्मार्ट स्कैन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर आप कुछ भी सेंटेंस को स्कैन करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। चलो ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ पर बोरोलिन एंटीसेप्टिक क्रीम का पैकेट है ये, चलो देखते क्या लिखा है। हेलो, हो गया। ठीक है, इस फोन की कॉन्टैक्ट्स में भी आपको एक स्कैनिंग का फीचर देखने को मिल जाएगा एंड बेसिकली इसका जो काम है, अगर कहीं पे भी आपको कोई नंबर्स देखने को मिलता है और कोई नाम देखने को मिलता है सो ये इंटेलिजेंट तरीके से इसको स्कैन कर लेगा। देन आप देख सकते हो जो नंबर है उसको नंबर फील्ड पे, जो नाम है इसको नाम के फील्ड पे सेव कर लिया है। मुझे पता नहीं कितना इंटेलिजेंट है, बट कभी कभार ये ठीक ठाक सेव भी नहीं कर पाता है, बट ठीक है, ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो तो इसको अप्लाई कर सकते हो। इस फोन में आपको अलग से कोई स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपको नोटिफिकेशन पैनल में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। बट अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो रेजोल्यूशन है उसको अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको टैप एंड होल्ड करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। मेरा जो Realme 2 Pro का वेरिएंट है 4GB रैम वेरिएंट है एंड 4GB रैम में से कितना GB रैम अवेलेबल है वो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, बट उसके लिए आपको डेवलपर मोड को एक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ पर अबाउट फोन में आपको जो वर्शन है वहाँ पर आपको 7 बार टैप करना पड़ेगा, बट मेरा जो डेवलपर मोड है ऑलरेडी एक्टिव है तो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। देन यहाँ पर डेवलपर ऑप्शंस को ऐसे एक्टिव करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको रनिंग सर्विस नाम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर ही आपको जो अवेलेबल रैम है वो आपको देखने को मिल जाएगा।
सो मेरा 4 GB रैम में से जो अब अवेलेबल रैम है वो है 1.6 GB। इस फोन में अगर पावर बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आपको स्लाइड डाउन टू पावर अप का ऑप्शन ही मिलेगा, कोई भी रीबूट का ऑप्शन नहीं मिलता है। बट रीबूट का ऑप्शन भी आपको इस फोन में मिल जाएगा, उसके लिए आपको जो पावर बटन है एंड जो वॉल्यूम अप बटन है उसको एक साथ प्रेस करके रखना है। अनटिल, थोड़ा सा सबर करो, मैं आपको बताता हूँ। अनटिल ये रियलमी का लोगो जब तक ये ग्लो नहीं करता तब तक आपको पावर बटन एंड जो वॉल्यूम अप बटन है उसको होल्ड करके रखना है। फिर ये फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा, आप देख सकते हो ये रिबूट हो गया है। इस फोन के कैमरा में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जेस्चर का ऑप्शन भी मिल जाएगा एंड इसको ऑन करने के बाद अगर आप ऐसे हाथ उठाओगे तो ये ऑटोमेटिक फोटो ले लेगा। एंड ऐसा दो उंगली दिखाने पर नहीं होगा, आपको ऐसा 5 उंगली, मतलब जिसे हम कूल शब्द में हाई फाइव कहते हैं, ऐसा हाई फाइव दिखाना पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिक फोटो ले लेगा। जब आप कैमरा को डिफाइन डायरेक्शन पे मूव करते हो तो जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। बट इसको भी आप लॉक कर सकते हो, इवन फोकस को भी आप लॉक कर सकते हो। बस यहाँ पर आपको ऐसे टैप करके होल्ड करना है सो जो फोकस है वो लॉक हो जाएगा, इवन जो एक्सपोजर है वो भी लॉक हो जाएगा। सो आप देख सकते हो जो एक्सपोजर है वो लॉक हो गया है, वो चेंज नहीं हो रहा है। इस फोन के कैमरा में आपको एक्सपर्ट मोड नाम का एक मोड मिल जाएगा, बट मैं यहाँ पर एक्सपर्ट मोड की बात नहीं करूंगा। यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसका नाम है अल्ट्रा HD। इसको अगर ऑन रख के अगर आप इमेज लोगे, आपको मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर जो इमेज साइज है वो है 12.5 MB, बहुत ही लार्ज साइज इमेज है। एंड यहाँ पर जो क्वालिटी मिलता है वो भी बहुत ही अच्छा है, आप जितना भी क्रॉप करोगे आपको कोई भी डिटेल की कमी देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। इवन यहाँ पर अगर आप ऐसे 2x ऑप्टिकल 2x डिजिटल जूम करके भी इमेज लोगे तो भी बहुत ही शार्प क्वालिटी देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पिक्चर में वाटरमार्क भी मिल रहा है। बेसिकली ऑप्शन आपको एकदम सेटिंग्स के अंदर मिलता है। यहाँ पर आपको सिस्टम ऐप्स पे जाना है, फिर यहाँ पर कैमरा में जाना है, देन यहाँ पर आपको कहाँ गया ये रहा, वाटरमार्क का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको एक्टिव करने पर ही आपको पिक्चर में वाटरमार्क देखने को मिल जाएगा। इवन यहाँ पर आप फोटोग्राफर का नाम, मतलब अपना नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने खुद का नाम लिखा है, चलो 1 million gadgets लिख देता हूँ। इस फोन की डिफॉल्ट कैमरा ऐप में आपको कोई भी स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट वो काम आप यहाँ से प्ले स्टोर से फुटेज कैमरा ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हो, क्योंकि फुटेज कैमरा ऐप में आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, बट उसका जो आउटपुट है वो बहुत ही घटिया टाइप का है। इवन प्ले स्टोर से आपको जितना भी स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा का ऐप मिलता है उसका जो आउटपुट है वो बहुत ही घटिया टाइप का है। बट यहाँ पर एक बहुत ही ईजी सोल्यूशन है, फ़ोन के अंदर ही आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक 2 सेकंड का फुटेज रिकॉर्ड किया है, आपको भी ऐसा एक मोशन फुटेज रिकॉर्ड करना है, 2 सेकंड का हो और उससे भी ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन यहाँ पर आपको फोटो में आना है, देन आपको वीडियो में आना है, वीडियो में आपको यहाँ पर एक एडिटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नीचे एक स्लाइडर देखने को मिल जाएगा, इस स्लाइडर में आपको लेफ्ट में मूव करना है, आप जितना ज़्यादा स्लो करना चाहते हो आपको उतना लेफ्ट पे मूव करना है, देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट करके डन करना है। तो चलो वीडियो रेंडर हो गया है, अब मैं आपको स्लो मोशन वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्लो मोशन वीडियो इफेक्ट मिल रहा है। तो भाई कोई भी अलग से स्लो मोशन वीडियो कैमरा डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको वीडियो एडिटर में स्लो मोशन का इफेक्ट मिल जाता है। आप जस्ट वीडियो को रिकॉर्ड करो, स्लो मोशन में एडिट करो एंड आपको स्लो मोशन आउटपुट मिल जाएगा। अगर आपको लगता है इस फोन में जो बैटरी बैकअप है बहुत ही कम है तो मैं यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग में चेंज करके दिखाता हूँ, वो जस्ट आप फॉलो करो, आपका जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर आपको बैटरी में जाना है, देन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है स्मार्ट पावर सेवर एंड ये रिकमेंडेड है। सो मैं बताऊँगा इस ऑप्शन को आप ऑल टाइम ऑन करके रखो तो फ़ोन ऑटोमेटिकली और स्मार्टली पावर को सेव करेगा। इवन ऊपर आपको देखने को मिलता है पावर सेविंग मोड, इसको भी आप ऑन करके रख सकते हो। सो जो बैटरी बैकअप है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है एंड मैंने ट्राई करके देखा है बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है। बेसिकली ये जो पावर सेविंग मोड है बैकग्राउंड में जितने भी फालतू काम चलता है उसको डिसेबल कर देता है एंड इस फोन का जो बैटरी बैकअप है वो और भी इम्प्रूव कर देता है। मैंने उसको यूज़ किया है, मुझे बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप मिला है। बट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा अगर आप बैकग्राउंड में कुछ चीज़ को डाउनलोड कर रहे हो तो इस ऑप्शन को आप डिसेबल करके रखो, नहीं तो आपका जो डाउनलोडिंग है वो स्टॉप हो जाएगा। देन ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सेव पावर का ऑप्शन एंड नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इंस्टेंटली लेंथन बैटरी, यहाँ पर आपको टैप करना है।
सो आपका जो बैटरी बैकअप है वो और भी ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। नाउ अगर आप और भी डीपली बैटरी को सेव करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ और भी सेटिंग्स दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट पे जाना पड़ेगा, आपको सेटिंग्स पे मिल जाएगा। यहाँ से उन ऐप्स को सिलेक्ट करो जो आप हफ्ते में एक या दो बार और रियल यूज करते हो, लाइक जो फोटो एडिटिंग ऐप्स है उसको सिलेक्ट करो। देन यहाँ पर पावर सेवर पे जाओ, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डिजेबल बैकग्राउंड रनिंग। सो जो ऐप आप हफ्ते में एक बार या दो बार यूज करते हो बैकग्राउंड में चलता रहता है, सो मैं बताऊंगा आप डिजेबल बैकग्राउंड रनिंग को एक्टिव कर लो उन ऐप्स के लिए। सो आपका जो बैटरी बैकअप है वो और भी इम्प्रूव हो जाएगा। सो दोस्तों मैं यहाँ पर और एक एडवाइस देना चाहूँगा, दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार फोन को रिबूट करो तो आपका जो बैटरी बैकअप है वो और भी इम्प्रूव हो जाएगा। सो दोस्तों यही था एक फुल फीचर, हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, जो भी बताओ। बहुत ही लंबा वीडियो था, बहुत ही मेहनत लगा, बहुत ही टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में। तो वीडियो को ऑब्वियसली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबाओ, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलने वाला है एक कैमरा कंपेरिजन वीडियो और एक मोबाइल के साथ मैं कैमरा को कंपेयर करने वाला हूँ, रियलमी 2 प्रो का कैमरा को। वो तो मैं अब रिवील नहीं करूँगा, बट आपको वीडियो मिल जाएगा, शायद ट्यूजडे को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा फुटेज अभी भी रिकॉर्ड करना है एंड कुछ काम अभी भी बाकी है। एंड इस चैनल के ऊपर रियलमी 2 प्रो के ऊपर और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाला है। अब रियलमी 2 प्रो के ऊपर आपका कोई भी मतलब क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ रियलमी 2 प्रो के ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट रहता है वो पूरा क्लियर हो जाए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। रियलमी 2 प्रो के ऊपर और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाला है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।